हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा, कैसे हो आप सभी? सो गाइस, अभी एक दो दिन पहले मैंने एनालिसिस डाला था स्टेनो का। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी तक की उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए हैं इतने कम दिनों में। सो इस सब का क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को देखा, जिन्होंने उन पर भरोसा करा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, आज हम लोग 23,300 की फैमिली बन गए हैं और इस सब का क्रेडिट भी सिर्फ आप लोगों को जाता है। सच बता रही हूं, मैं जब YouTube पे आई थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना प्यार मिलेगा आप लोगों की तरफ से। आई नो थोड़े बहुत नेगेटिविटी भी रहती है, बट अगर उसके रिस्पेक्टिव में प्यार मिले तो इतना मैं माइंड नहीं करती कभी नेगेटिव कमेंट्स को 1% भी। बट थैंक यू सो मच, जितना भी थैंक यू बोलूं कम ही रहेगा आप लोगों को। और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग बोलते हो तो मैं करती हूँ। ठीक है, सो गाइस, अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? एनालिसिस तो मैं पहले ही कर चुकी हूं, तो अब इस वीडियो में क्या डिस्कस करना बाकी रह गया? दो तीन चीजें एनालिसिस में रह गई थी, ये पार्ट टू समझो उस वीडियो का, कि आप लोगों के कितने नंबर से रिस्पेक्टिव ऊपर रहेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी दमदार तरीके से शुरू कर दीजिए स्किल के लिए। एंड सेकंड थिंग कि 23 का क्या हो सकता है, ठीक है, और वैकेंसीज बढ़ने के कितने चांसेस है, क्योंकि जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज भी जो है वो बढ़ गई है ना। पहले 24,000 थी, अब 45,000 हो गई है। तो क्या रिस्पेक्टिव रेशियो रह सकता है, स्टेनो की वैकेंसीज कब तक आ सकती है, स्किल टेस्ट की डेट आउट हो चुकी है, 15 और 16 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, और गाइज मुझे कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि मेरी जो स्लाइड है, जो पीपीटी की स्लाइड है, ये बहुत सारे चैनल्स यूज कर रहे हैं अपनी कट ऑफ बताने के लिए। सो कोई बात नहीं, उन्हें करने दो। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि छोड़ दो आप लोग उन लोगों को, मेरे को पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बट मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा काम आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। और अगर कोई और चैनल भी ये कर रहा है, डेटा भी सेम डाल रहा है, बस उनकी स्लाइड्स है, मान लो कुछ भी हो रहा है, तो रहने दो, क्या पता कुछ चार बच्चों को और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है, रहने दो। जब ज्यादा होगा तब का तब देखेंगे, अभी कुछ करने का फायदा नहीं है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको वैकेंसी ट्रेंड वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको उस स्लाइड पे ले चलूंगी जहां पे मैंने आपको फाइनल एक्सपेक्टेड बताया है ना। सो गाइज देखो, बहुत सारे बच्चों का अभी भी ना मेरे पास वो आ रहा है मैसेज कि मैम हमारे 115 मार्क्स है, हमारे 117 है, हमारे 125 है, तो हम स्किल की तैयारी करें या ना करें? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं जानती हूं, और इसमें आप लोग पजल हो सकते हो और होना लाजमी है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो, है ना। देखो मैं आपको एक चीज समझाती हूँ जिसको आप लोग आराम से समझ लोगे और आप लोगों को सही भी लगेगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए लॉजिक वाली ही बातें करूंगी। एक मिनट बस मैं पेन चेंज कर लूं और फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, देखो अब स्किल कब है? स्किल है आपका 15 फरवरी को और 16 फरवरी को। 15 को इंग्लिश वालों का है, 16 को हिंदी वालों का है। ठीक है, समझ लो इस बात को। आज आपकी क्या तारीख है? 29 नवंबर। हम ये मानते हैं नवंबर खत्म हो चुका है ना। आपके पास दिसंबर है, आपके पास जनवरी, और आपके पास 15 दिन फरवरी के हैं, राइट? अब हमें क्या करना है? अगर हम देखें तो प्रॉपरली आपके पास 2.5 महीने। कितने महीने है? 2.5 महीने। अब इन 2.5 महीनों में आपके साथ दो चीजें हो सकती है। पहली बात, स्किल की तैयारी करनी किसको है? जिनका प्रैक्टिस छूट गया था किसी भी वजह से, अगर उनकी स्पीड 50 है, 60 है, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2.5 महीने में 80 गेन कर लोगे। समझे मेरी बात? अगर आपकी स्पीड 80 है तो आप 100 के पीछे ट्राई करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले साल की बात है, फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा थी, इस चीज को अपने दिमाग जहन में डाल लीजिए। 80 वाले अपनी स्पीड को 90-95 तक लेके जाएं और 100 वाले अपनी स्पीड को 115 तक लेकर ही जाएं। अब बात करते हैं टाइपिंग स्पीड की। कुछ बच्चे कच्चा खा जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, कुछ बच्चों को यह लगता है कि जो टाइपिंग स्पीड है अगर 30 मांगे तो हम 30 ही लेके चलेंगे। ना बाबा ना, आप लोगों को जो स्पीड है, मैं इंग्लिश और हिंदी की बता रही हूं, ये डी के लिए है और ये सी के लिए है, ये भी डी के लिए और ये भी सी के लिए है। इंग्लिश में अगर आप कर रहे हैं तो यहां 40 और यहां पे आपकी 35 हिंदी वालों के लिए, अगर आप सी के लिए जा रहे हैं तो 50 और यहां पे आप लेके चलिए 55, क्योंकि टफ होती है। और गाइस आप भी जानते हो, जो बच्चे ऑलरेडी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत माहिर होते हैं, स्टेनो में बहुत माहिर होते हैं, जो 1 से 2 बार स्किल दे चुके होते हैं। अगर उन्होंने SSC का नहीं दिया, वो DSSB का कोई भी स्किल दे चुके होते हैं, तो वो आपसे एज लेंगे। अगर आपको उनसे एज लेनी है तो जो चीजें बता रही हूं वो करो। अगर आपको
स्पीड में दिक्कत आ रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में केसी और हिंदी में आई थिंक रामधर गुप्ता की बुक आती है वो दोनों करिए, ठीक है। मैगजीन्स कितनी कितनी करनी है, मेरे हिसाब से आपको मिनिमम आप लोगों को 10 मैगजीन करनी ही चाहिए, फर्स्ट टू फिफ्थ तो करनी ही है और 19 से लेकर 24 भी करनी है। रामधारी गुप्ता में दो खंड होते हैं, आप लोगों को ट्राई करना है कि पहला और दूसरा खंड दोनों करके जाना है, ठीक है। टिप नंबर वन। टिप नंबर टू, टाइपिंग स्पीड को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, मैक्सिमम लोगों का मैटर वहां पे टाइपिंग की वजह से रह जाता है, ठीक है, बिल्कुल इसको लाइटली ना ले। अब बात करते हैं कि किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। देखो आपका जो स्किल है ना ये ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाई का मतलब ये होता है कि अगर आपकी 7% मिस्टेक्स है आपको अलाउ कर देंगे और अगर आपकी 5% मिस्टेक्स से कम है तो आपको अलाउ कर देंगे, इससे ज्यादा हुआ तो आप डिसक्वालीफाई जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो स्कोर है ना जो मैंने आप लोगों को बताया था ये तो था कि आप प्री में बैठ जाओगे, प्री में आप लोगों को सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, ठीक है। प्री का स्कोर जो होता है ना ये सिर्फ इसलिए होता है कि आप लोगों को मौका मिलता है स्किल में बैठने का। अगर आपको फाइनल में सीट बनानी है तो डेफिनेटली आपके 15 नंबर तो इससे ऊपर ही होने चाहिए। अब कुछ बच्चों का कहना है कि स्टेनो जो स्किल होता है ना इस ये मार्क्स के बेसिस पे होता है, 50 नंबर का पेपर होता है। जी नहीं, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, मैंने ग्रेड सी की भी आपकी प्री की कट ऑफ बनाई थी और अप्रोक्सीमेटली 5-10 मार्क्स में ज्यादा ही बोल गई, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे जाएगी, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगी। ये मैंने प्री का बताया है, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, आपका रिजल्ट दिसंबर तक आएगा, ठीक है। तो दिसंबर तक जो रिजल्ट आएगा ना उसके अंदर आप लोगों का जो स्टेनो का लिस्ट में नाम होगा, जिन बच्चों के इससे ऊपर नंबर होंगे उनको जो लिस्ट में जगह मिल जाएगी और ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड में अपना दिमाग भी लगाना होता है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों को, मैं ग्रेड डी की बात कर रही हूं, ठीक है, ग्रेड डी की बात हम पहले करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं ये सारे जो स्ट्रोक्स हैं ये मैं रब कर दूं, ठीक है। मैं आपको इतना बता सकती हूं कि ग्रेड डी में अगर आपके इतने नंबर से रॉ बोल रही हूं, रॉ अगर आपके इससे ऊपर हो तो आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जरूर करिए, ठीक है। मैं आपको एक सेकेंड बस बता देती हूं यहां पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यूआर की बात करूं और आप लोगों की, मैंने जो मैंने ग्रेड डी की बताई थी अभी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ना मैंने ग्रेड डी की बताई थी, तो ये जो है ना अगर मान लेते हैं कि आपका स्कोर यूआर कैटेगरी से अभी जो ये आंसर की आई है ना उस बेसिस पे मैं बोल रही हूं, अगर आपका स्कोर जो है वो 128 से ऊपर है तो आप तैयारी कर सकते हैं। चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रही 100% चांसेस है, 100% किसके होंगे मैं वो भी बताऊंगी, ये चांसेस है कि आपका हो सकता है, तो आप रिस्क ना लें बिल्कुल भी ना, कि अगर 1% से आपका हो गया तो आप उस पॉइंट पे ना परेशान हो जाओगे कि मेरा तो हो सकता था मैंने क्यों नहीं करा, ठीक है। जो चीजें मैं बता रही हूं आपको उस बात को आप समझो यहां पे, ठीक है। 128 मार्क्स से ऊपर है तो आपके चांसेस है, 80% चांस है। यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं 80% वालों के लिए लिख रही हूँ कि 80% चांस है कि आपके चांसेस जिंदा हैं, और यहाँ पे मैं 100 लिखूंगी, 100 में अगर आपके 130 प्लस मार्क्स हैं आंसर की में तो आपका आ जाएगा नाम, ठीक है, ग्रेड डी में। अगर यहाँ पे आपके मार्क्स जो है 126 से ऊपर है और यहाँ पे आपके मार्क्स 128 से ऊपर है तो आपके 100% चांस है। EWS में अगर आपके मार्क्स जो है वो 123 से ऊपर है तो तैयारी करो, और 125 से ऊपर है तो आपके चांसेस हैं कि आपको ग्रेड डी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगी, SC ST में 112 और यहाँ पे आपका 115 ले लो, ठीक है। अगर आपके इससे मार्क्स ऊपर है तो मोस्ट प्रोबेबली 90% है कि आप लोगों का आ जाएगा नाम यहाँ पे, ठीक है। 10% मैं इसलिए ऊपर नीचे कर रही हूँ क्योंकि SSC लास्ट में वैकेंसीज को कम ज्यादा कर सकता है, वैसे चांसेस 99.99% यही है कि वैकेंसीज 2100 से ऊपर ही रहेंगी और हो सकता है ये वैकेंसीज 2300 भी हो जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी SSC पे है, ठीक है। और ये बाकी कैटेगरीज एज इट इज जितना बोला है उतना ही बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप ग्रेड डी की बात कर रहे हो ना, ग्रेड सी मिनिमम ये मैंने पहले की बताई थी आप लोगों को कट ऑफ जो है सारी की सारी, ठीक है। हाँ अगर मैं आप लोगों को ग्रेड सी की बताऊं, ग्रेड सी में हम देखेंगे, ग्रेड डी हो गया, ग्रेड सी, तो गाइज अगर आपके मार्क्स किसी भी कैटेगरी से, मैं अभी भी गारंटी के साथ बोल सकती हूँ 145 प्लस है, आप बेशक कुछ भी छोड़ दो और एक मिनट के लिए ग्रेड सी की तैयारी करो, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और अगर आपके SC ST कैटेगरी से 135 प्लस हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस है, 99% है कि आप लोगों का ग्रेड सी
ग्रेड सी में नाम आ जाएगा, बिकॉज 2.5 महीने में स्किल है और इस बार स्किल जो है उसके अंदर आप लोगों के बहुत कम बच्चे जो है वो सेलेक्ट होंगे। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। और अब जो आप मुझे मैसेजेस कर रहे हो, मेरे 115 है, 117 है, तो अब उनको क्या करना है, उनके मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी 23 के बारे में, ठीक है। और देखो, अगर आपको मौका मिले पेपर में बैठने का, स्किल में बैठने का, जरूर बैठे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपके मार्क्स कितने भी हैं। लक उन्हीं को फेवर करता है जो रिस्क लेते हैं, जो पढ़ाई करते हैं। तो अगर आपके मार्क्स, मान लो एग्जांपल लेती हूँ, 120 भी हैं यूआर से और आपको स्किल आती है 80-90 पे, देखो 2.5 महीने में कुछ नहीं जाएगा। 2-3 घंटे प्रैक्टिस करो और अपना स्किल देकर आओ। बाई चांस स्किल थोड़ा टफ आ गया और आप वहां पे करे आए और कट ऑफ और कम हो गई, तो आपके चांसेस जिंदा है। अगर स्किल टफ आता है तो कट ऑफ और डिप मारेगी। उस केस में जिनको स्किल आती है और जिनके नंबर मैं जितने बता रही हूँ ग्रेड सी और ग्रेड डी के फाइनल, इससे 5-5 नंबर भी कम है ना, उनके भी चांसेस फिर जिंदा हो जाएंगे। देखो मैं एक चीज समझाती हूँ आप लोगों को, मुझे लगता है आपको समझ नहीं आएगी ऐसे। हाँ, ग्रेड डी मैं मानती हूँ कि आपकी जो स्किल है वो टफ आ जाए, ठीक है, टफ आ जाए। उस केस में जैसे मैंने आपको बताया 133, अगर आप लोगों का स्कोर उस केस में 128 भी होता है ना, तो भी आप लोगों का जो रॉ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को रॉ नॉर्मलाइज्ड ही ले लो, क्योंकि ये मैंने नॉर्मलाइज्ड ही बताया है आप लोगों को। अगर आपका फिर नॉर्मलाइज्ड होकर स्कोर 128 भी आता है और मान लो जो स्किल है बहुत टफ आ गया, तो आपके चांसेस भी जिंदा है। मान लो 126 का ही कट ऑफ, आप 2 नंबर से कोई सिटी ले लोगे, चाहे आपको होम सिटी मिले ना मिले उस मोमेंट पे, तो बिल्कुल अगर आपको स्किल आता है, आपकी स्पीड है, तो आप लोग 2.5 महीने कुछ नहीं जाएगा। देखो जिसकी स्पीड अच्छी है उसे बस फिनिशिंग देनी है, तो आप 2-3 घंटे अपनी स्किल भी करो और साथ में अपनी 2023 की प्रिपरेशन शुरू कर दो। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी मैं, डोंट वरी। एंड दूसरी चीज कि जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं कि हमारे नंबर बहुत कम है, हमारे नंबर बहुत कम है, तो आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज ही आएंगी, डोंट वरी। तो आपको और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके तब ग्रेड सी लेना डायरेक्टली। देखो इस बार तो SSC ने एक तरीके से शॉक दे दिया सबको कि हम 2.5 महीने में स्किल ले रहे हैं। अगर यही स्किल 3-4 महीने बाद होता तो आराम से बहुत सारे बच्चे और आते, लेकिन जिनको अब स्किल नहीं आती वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सीजल करना है, सीपीओ करना है, या जीडी कांस्टेबल में लग जाएंगे, या MTS CHSL में लग जाएंगे, DSSB में लग जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को आता है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मार्क्स छोड़ो, मार्क्स तो मैंने फाइनल बताए हैं, ये एक्सपेक्टेड बताए हैं, हो सकता है इससे कम भी चले जाए, तब क्या करोगे। मान लो मैंने 133 बोला है और 1-2 नंबर और कम चले गए और आप बिल्कुल स्टिफ हो गए कि नहीं मैम तो 133 बोला है, हम तो करेंगे ही नहीं, भाई आपका लॉस है उसके अंदर। एक्सपेक्टेड हमेशा दिमाग लगा के देखना चाहिए, मैं ही नहीं कोई भी बोले, मैं कह रही हूं कोई भी बोले आप, देखो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है, इतने से इतने तक जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है, इससे ऊपर जाने के चांसेस काफी कम है, बट 1-2 नंबर ही ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों का स्कोर जो है, मैं अभी भी कह रही हूं यूआर कैटेगरी से 128, 129, 130 भी है, तो भी तैयारी करो। अगर आपको स्किल आती है तो करो, अच्छे से करो, मेहनत करो, कैसी करो, लगातार करो, 10 मैगजीन्स जो है उसकी वो पूरी करो, आप हिंदी से हो वो करो, टाइपिंग की स्पीड बढ़ाओ। 2.5 महीने में टाइपिंग स्पीड बढ़ाने में आपको टाइम लग जाएगा, यहाँ पे आपको नहीं पता, आप 30 लेके चलोगे, वहां पे आपको पता नहीं, आपको 40-50 लिखना पड़ेगा, आपके सामने वाले बच्चे 15 मिनट में मैटर करके रख देंगे, आप कर नहीं पाओगे, डिमोटिवेशन होगा, ठीक है। अगर टफ आ गई तो और बच्चे गिर जाएंगे वहां पे जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो उनसे एज उठाओ। और डीमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, वैकेंसीज खत्म नहीं होंगी, चाहे स्टेनो हो, जीडी हो, CHSL हो, सबकी वैकेंसीज अगले साल भी आएंगी। क्या ऐसा ऐलान किया है क्या किसी गवर्नमेंट ने कि इसी साल वैकेंसीज लास्ट है, इसके बाद खत्म हो जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब आती थी, आती है और आती रहेंगी, ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग जहन में बिठा लीजिए, ठीक है। बाकी मैं मिलती रहूंगी आने वाली वीडियोस में, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सपोर्ट करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ले सकते हो, XCL B6R कोड है और अभी सस्ते मिल रहे हैं, ले सकते हो, अगले साल महंगे भी हो सकते हैं। बाकी हम मिलते रहेंगे, अपना ध्यान रखें, और कोई डाउट्स हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज आप ये मत पूछिएगा कि इतने मार्क्स है क्या करूं क्या ना करूं, मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दिया प्रीवियस वीडियो में, और इसमें ये भी बता दिया कि आप कितने पे तैयारी करें कितने पे ना करें, इससे ज्यादा डीप तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको लिख के देती हूँ पूरा यूट्यूब पे, आपको कोई नहीं बताएगा। लोगों का काम है आना, कोई एनालिसिस वगैरह करते नहीं है, ठीक है, बस अपना 20,000-30,000 का फेक डेटा दिखा के बस बता देंगे इतनी इतनी कट ऑफ जाएगी। भाई क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुमने प्रीवियस ईयर देखा, तुमने ये देखा 2.5 महीने में स्किल है, नहीं देखा, बस बताना है हाई कट ऑफ, बच्चों को अंदर डर बिठाना है। किसी ने तो इतनी लो कट ऑफ बता दी है जो कि जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे, इसीलिए कम चैनल्स पर भरोसा करो लेकिन अच्छे चैनल्स पर भरोसा करो, मेरा मानना ये है, ठीक है, कम करो लेकिन अच्छा करो, ये होता है मेरा जो कहना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही मेरे पे ही करो, नहीं हो रहा है कोई और देखो, लेकिन जिस पे भी करना है अच्छे तरीके से करो, ठीक है। बाकी टेक केयर, अपना ध्यान रखें।